नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप सबको मैं स्वागत कर रहा हूं। मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था। आज का चर्चा का विषय है रोजगार, बेरोजगारी। मार्च और अप्रैल के बीच ये दो महीना में भारतवर्ष में कम से कम 70 लाख लोग जिसका नौकरी था, आज उनके पास नौकरी नहीं है। ये कोविड का महामारी का जो दूसरी लहर आए हैं, इसका असर क्या पड़ेगा भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था के ऊपर और रोजगार के ऊपर, इस विषय के ऊपर मैं आज स्वागत कर रहा हूं मुंबई से श्री महेश व्यास, CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मैनेजिंग डायरेक्टर है। महेश जी, धन्यवाद। आप जरा समझा दीजिए, आप ये जो अनुमान किया मार्च और अप्रैल के बीच 70 लाख लोग पर नौकरी चला गया, और आप कह रहे हैं कि आने वाले महीने में ये 70 लाख से बढ़ के 1,20,00,000 तक पहुंच सकता है। आपका ये आंकड़ा कैसे आपको मिला, और ये जो आपने ये नंबर जो बताया, आपका ये नंबर कैसे आए? पहली बात तो मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रण देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परंजॉय जी। और दूसरी बात ये है कि जो आपने बताया कि 70 लाख लोगों की नौकरी चली गई, तो हमें पहले तो नौकरी और रोजगारी में अंतर देखना चाहिए। भारत में सबके पास नौकरी नहीं होती, अधिकांश लोगों के पास नौकरी नहीं होती। नौकरी उसके पास होती है जिसके पास कोई किसी प्रकार का पत्र होता है जो कहता है कि हम आपको इस स्तर पर नियुक्त करते हैं और आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, वो होती है नौकरी। लेकिन अधिकांश लोगों के पास ऐसी नौकरी नहीं होती, इतना उनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम रोज नौकरी के लिए जाएं और महीने खत्म होने के बाद में हमें वेतन मिलेगा, ऐसा नहीं होता। अधिकतर लोगों के पास नौकरी नहीं होती है, लेकिन रोजगार होता है। वो अपने धंधे पर जाते हैं, अपने कंठे पर जाते हैं, रोज डेली वेजर की तरह देखते हैं, कहीं ना कहीं कोई तो रोजगार मिल जाएगा जहां पर उनका गुजारा हो जाएगा। छोटी मोटी उनकी दुकानें चलती हैं, तो जो खेतों में काम करते हैं उनके पास नौकरी थोड़ी होती है, तो रोजगार होता है। उसमें काफी रिस्क भी होता है कृषि क्षेत्र में। तो 70 लोगों की नौकरी नहीं गई, 70 लाख लोगों की नौकरी नहीं गई, 70 लाख लोगों का रोजगार चला गया। अगर नौकरी जाती तो बात अलग होती कि आपके पास कुछ तो बचत होती नौकरी से, जिससे आप गुजारा कर लेते, लेकिन ये नौकरियां नहीं गई, ये रोजगार चला गया। तो ये पहली बात है। दूसरा प्रश्न जो आपने पूछा कि ये आप आंकड़े कैसे बनाते हैं, सो जो विकसित देश हैं उनमें तो ये संभव है, क्योंकि अधिकांश लोगों के पास नौकरियां होती है तो वो उनका सिस्टम होता है पेरोल को देख करके अंदाज लगाते हैं या अनुमान लगाते हैं कि अंदाज नहीं अनुमान लगाते हैं कि कितनों को नौकरी मिली, कितनों की नौकरी गई, क्योंकि वो वेतन का एक पेरोल सिस्टम होता है। क्योंकि यहाँ पर पेरोल नहीं है, यहाँ पर रोजगार है, तो हम घरों में जा करके हाउस होल्ड सर्वे करके अनुमान लगाते हैं कि कितनों कि नौकरी गई, कितनों का रोजगार चला गया, कितनों को रोजगार प्राप्त हुआ। तो CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जिसके लिए मैं काम करता हूं, उन्होंने 2013 में एक बड़े हाउसहोल्ड सर्वे का निर्माण किया, उसको एस्टैब्लिश किया, और उसके जरिए हम 1,75,000 घरों में साल में 3 बार जाते हैं और उन लोगों से पूछते हैं कि उनकी नौकरी का या रोजगार का क्या हाल है। ये एक सैंपल है,
इस सैंपल के जरिए हम अनुमान लगाते हैं कि कितनी नौकरियां गई, कितनी नौकरियां प्राप्त हुई और नेट बेसिस पे क्या हाल है। तो ये 1,75,000 का जो सैंपल है वो सरकारी सैंपल से कई गुना ज्यादा है। सरकारी सैंपल करीब 1,10,000 के आसपास का होता है, हमारा 1,75,000 का है। वो साल में एक बार सर्वे करते हैं जो 2 साल बाद में उसका रिजल्ट दिखता है, हम साल में 3 बार करते हैं और तुरंत उसका रिजल्ट दे देते हैं। तो ये तरीका है हमारा सर्वे करने का और अनुमान लगाने का कि रोजगार का क्या हो रहा है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं महेश जी आपका बात सुन के कि जी मार्च और अप्रैल ये 2 महीना में भारतवर्ष में 70 लाख लोगों का नौकरी नहीं रोजगार चला गया। इसके मतलब उसके उनके अपने जीविका जो अंग्रेजी में लाइवलीहुड कहते हैं इसके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ा। अगर ये 70 लाख लोग एक एक हर व्यक्ति के साथ आप जुड़े हुए हैं, समझ लीजिए 3 या 4 5 व्यक्ति, तो सबके जीविका के ऊपर असर पड़ा। हाँ असर तो पड़ा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये कुछ ड्रामेटाइज कर देगा इस बात को, इतना बुरा नहीं है। क्योंकि अप्रैल के महीने में काफी लोगों का रोजगार कम हो जाता है सीजनली, क्योंकि अप्रैल का महीना ऐसा है जहां पर रबी का जो रबी की फसल जो थी उसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी थी और खरीफ की जो फसल है उसके लिए बोना अभी शुरू नहीं किया था, वो मई जून में ही शुरू होता है। तो ये एक लीन मंथ है, एक ऐसा महीना है जहां पर कृषि क्षेत्र में कम रोजगार मिलता है। तो वो सीजनली बाहर आ गया है, हो सकता है मई जून में इस बार की वर्षा अच्छी होने वाली है, ऐसा अनुमान है, तो उनको फिर से नौकरी जाए। ये भी एक बात है, विवाद का बात है, क्योंकि पिछले 2 साल बारिश अच्छी हुई है। अब कहना मुश्किल है कि इस साल तीसरी साल लगातार बारिश अच्छे होंगे कि नहीं। इस विषय के ऊपर भविष्यवाणी करना भी इस वक्त शायद ठीक नहीं होगा, मगर आप ये क्यों कह रहे हैं कि सीएमआई क्यों कह रहे हैं कि ये 70 लाख जहां है ये बढ़ के 1,20,00,000 तक पहुंच सकता है इस साल में? ऐसा हम फोरकास्ट नहीं करते हैं कि ये 1,20,00,000 बन जाएगा, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए कि यदि कोविड की महामारी और चलती रही और भयानक हुई और अगर फैल गई तो इसका निर्णय काफी बुरा हो सकता है। लेकिन फोरकास्ट करना कि कितने लोगों की नौकरियां जाएंगी ये सही नहीं होगा, इसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत अलग अलग तरीके की चीजें हैं। तो मैं फोरकास्ट पे इतना इतना जोर नहीं दूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि रोजगार के जो जरिए हैं या रोजगार जिस प्रकार से बन सकता है उतना नहीं बन रहा है रोजगार, और नौकरियां तो और भी कम हो रही है। तो हमें भारत में ये करना चाहिए कि नौकरी की सुविधाएं और बनाएं, सरकारी नौकरियां हो चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, लेकिन नौकरियां बढ़नी चाहिए और नौकरियां नहीं बढ़ रही। अच्छा, इस विषय के ऊपर मैं दोबारा आपसे एक दो सवाल करूंगा, मगर आप बहुत सारे अर्थशास्त्री बहुत सारे विश्लेषक आज कह रहे हैं कि इस साल ये कोविड का महामारी का जो दूसरी लहर आया है इसके असर ग्रामीण इलाका में भी जबरदस्त फैल गया। बहुत कारण है, एक साल पहले ज्यादा से ज्यादा जो असर था ये शहरी इलाका में, और ये शहरी इलाका से लोग ग्रामीण इलाका में चला गया। इस बार लोग कह रहे हैं कि ये जो महामारी का जो दूसरी जो लहर आए है इसके असर पूरा ग्रामीण इलाका में भी पड़ रहे हैं और इसके असर कृषि क्षेत्र में भी पड़ने का बहुत बड़ा संभावना है। तो आपका इस विषय के ऊपर आपका क्या अनुमान है?
क्षेत्र में कोविड महामारी का भार होगा ये कहना जरा मुश्किल है। कोविड उन जगहों में फैलता है जहां पर भीड़ होती है, जहां आप मेट्रो के जरिए ट्रैवल कर रहे होते हैं, जहां खचाखच रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगी रहती है, या और ऐसे जो बाजार हैं जहां पर बहुत लोग भीड़ में जमा होते हैं, जहां पर फिजिकल डिस्टेंस नहीं रहा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है, ऐसी भीड़ वहां नहीं लगती है, तो वहां महामारी को फैलना इतना आसान नहीं होगा। तो मुझे इस बात का कम डर है कि वहां पर महामारी फैलेगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में समस्या ये है कि जो लघु उद्योग है और जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में है, रूरल एरिया में है, इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण, अर्थव्यवस्था को थोड़ा कम हो जाने के कारण उन पर असर पड़ रहा है, वो बंद हो रहे हैं और वहां पर नौकरियां जा रही है, नौकरियां जा रही है। जिनके पास छोटी मोटी नौकरी थी कि वो एक इंडस्ट्रियल वर्कर थे या किसी छोटी वर्कशॉप में काम कर रहे थे, ऐसे लोगों की नौकरी जा रही है। ये कोविड के कारण नहीं जा रही, ये जा रही है कि अर्थव्यवस्था ही कम हो। अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वो रफ्तार कम हो गया इसके लिए बढ़ रहे हैं। मगर महेश जी, लोग कह रहे, जैसे हरिद्वार में कुंभ मेले में बहुत लोग आए थे, अलग अलग राज्य में जहां पे चुनाव प्रचार के लिए लाखों लोग एक जगह में आया है, तो ये बहुत सारे कारण के लिए लोग कह रहे हैं कि शहर से छोड़ के दोबारा लोग ग्रामीण इलाका में चला गया और साथ साथ लेके गए हैं ये बीमारी। तो इसीलिए यही है युक्ति कि क्यों ग्रामीण इलाका में इस साल, पिछले साल से अगर आप तुलना करेंगे, ग्रामीण इलाका में यह महामारी का असर ज्यादा पड़ा। अब जो कुंभ मेले से लोग वापस अपने घर गए हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो सारे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ही गए हैं। मंदिर तो शहरों में भी होते हैं, बड़े बड़े मंदिर शहरों में होते हैं, तो अगर ये सारे लोग वापस घर गए हैं तो ये कुछ लोग तो ग्रामीण क्षेत्रों में गए, लेकिन काफी लोग शहरों में भी गए हैं, और जो इलेक्शन रैलीज हुई है वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी हुई है और शहरों में भी हुई है। तो मेरे ख्याल से इसके कारण ग्रामीण और शहरी इलाके में कोई फर्क होगा ये कहना मुश्किल है। मेरे ख्याल से दोनों तरफ का बराबरी का असर रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि शहरों में ये महामारी ज्यादा आसानी से फैल सकती है, ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी आसानी से फैल नहीं सकती। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जो हमारी कमजोरी है या जो हमारे ऊपर जो एक डेंजर है वो है कि अर्थव्यवस्था जो ढीली हो रही है उसके कारण रोजगार वहां पर कम होगा, नौकरियां वहां पर कम होगी, उस बात को लेकर के मुझे मुझे ज्यादा चिंता है। अच्छा महेश जी, आपका सीएमआई का आंकड़ा कह रहा है लेबर पार्टिसिपेशन रेट, ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये पिछले वित्तीय साल में यानी कि 2020-21 जो वित्तीय वर्ष 31 मार्च खत्म हुई, उस समय लेबर पार्टिसिपेशन रेट लगभग 40.2%। अगर ये आप तुलना करेंगे एक साल पहले यानी कि 2019-20 का जो वित्त वर्ष, वित्त साल, वो इससे ज्यादा था, 42.7%। ये लेबर पार्टिसिपेशन रेट का क्या माने है, क्या मतलब है, और ये 42.7 से कम होके 40.2 यानी कि लगभग 2.5% का फर्क, ये कितना महत्वपूर्ण है? लेबर पार्टिसिपेशन रेट मेरे ख्याल से अनएम्प्लॉयमेंट रेट से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब क्या है? पहली बात तो है, हम उन लोगों को गिनेंगे जो 15 वर्ष के हैं या उससे अधिक वर्ष के हैं,
तो 15 से अधिक वर्ष के आयु के जो लोग हैं उन्हीं को गिना जाता है लेबर मार्केट, मतलब कि उनसे जो कम उम्र के हैं वो अभी तक काम करने के काबिल नहीं है, उन्हें या तो पढ़ना चाहिए या कुछ और बेसिकली पढ़ना चाहिए, तो उनको हम नहीं गिनते हैं। तो जितने लोग 15 वर्ष या उससे अधिक के हैं उनमें से कितने फीसदी के लोग काम करने के इच्छुक हैं, काम यानी के घर पर काम नहीं, लेबर मार्केट में काम यानी कि नौकरी ढूंढने के या रोजगार ढूंढने के इच्छुक हैं। तो 15 वर्ष या उससे अधिक के लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो रोजगार ढूंढने के इच्छुक हैं या नौकरी करने को तैयार हैं, उनकी मात्रा 2019-20 में 42.7% की थी। केवल 42 या 43% समझ लो लोगों ने कहा कि हम रोजगार या नौकरी करने को तैयार हैं। यदि सिर्फ 50% ही लोग जो काम कर सकते हैं, काम करना करने के इच्छुक होंगे, तो आर्थिक व्यवस्था ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि ज्यादा लोग काम करने के इच्छुक हों। विश्व में ये जो आंकड़ा है वो करीब 66% होता है। तो जब विश्व का आंकड़ा 66% है तो भारतवर्ष में ये 42 क्यों है? इतने कम लोग क्यों रोजगार करने के लिए राजी होते हैं? इसका मूल कारण ये है कि रोजगार हमारे यहाँ उतना है ही नहीं। तो यदि रोजगार और होगा, रोजगार मिलने के साधन होंगे या अपॉर्चुनिटीज होंगी, तभी लोग लेबर मार्केट में आकर के काम करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ें और लोगों को काम करने का मौका मिले, तभी ये जो 42.7% था 2019-20 में और घट करके 40.2% हो गया 2021 में, तभी वो देश आगे उन्नति कर पाएगा। मतलब लगभग 2.5% लोग वो जो नौकरी ढूंढ रहे थे 2 साल पहले, आज वो ढूंढना भी बंद कर दिया, एकदम बिल्कुल निराशा हो गया, एक तरह से आशा ही नहीं है कि हमें नौकरी मिलेगा। बिल्कुल महेश जी, एक चीज आप और समझा दीजिए कि हम जो देख रहे हैं कि जिस लोग को तनख्वाह था, और ज्यादा से ज्यादा इन लोग जो कहते हैं संगठित क्षेत्र में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो आपका आंकड़ा कह रहा है कि 2019-20 और 2020-21 से अगर आप तुलना करेंगे तो इसमें लगभग 98 लाख लोगों को जिसका पास नौकरी था, रोजगार की बात नहीं कर रहा, नौकरी था, सैलरी जॉब, ये इसका लॉस हुआ। आपका जो आंकड़ा था 859 लाख लोग थे और वो कम होके 762 लाख के आसपास हो गया। तो इस ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं जिसके पास नौकरी थे, जिसको तनख्वाह मिल रहे थे और आज नहीं मिल रहे हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है कि नौकरी बहुत कम लोगों को मिलती है भारत में। अधिकांश लोगों को रोजगार करना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है, और वो व्यापार इतना छोटा होता है, हर एक आदमी तो व्यापार नहीं कर सकता ना। जो व्यापारी होगा या जो कारोबार चलाएगा उसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना होगा, तो जो लोग कारोबार संभालते हैं उनकी संख्या अगर बढ़ रही है और जिनकी नौकरी है घट रही है, तो कुछ तो गड़बड़ है। अगर जो लोग व्यापारी हैं या जो कारोबार चलाते हैं उनकी संख्या यदि बढ़ रही है और जिनके पास नौकरियां हैं उनकी संख्या यदि कम हो रही है, तो कुछ ठीक नहीं है इसके अंदर। यदि लोगों जो जो कारोबार चलाते हैं उनकी संख्या बढ़ती है तो जिनकी नौकरी है उनकी संख्या भी बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि नौकरियां नहीं है, इसीलिए सेल्फ एम्प्लॉयड लोग बन रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या देश में ये है कि पिछले नौकरी नहीं है। 1 साल से थोड़ा ज्यादा, समझ लीजिए 1 साल कुछ महीनों में,
एक करोड़ के आसपास लोग जिसके पास नौकरी था, आज उनके पास नौकरी नहीं है। और ये अत्यंत चिंता का विषय है। महेश जी, इस बार जैसे एक साल पहले हम देख रहे थे बहुत प्रवासी मजदूर, करोड़ों लोग शहर छोड़ के ग्रामीण इलाका में चले गए, इस साल भी हम देख रहे हैं, मगर उतना शायद हम नहीं देख रहे, या कुछ कम हो गया, या कोई इसमें कुछ फर्क देख रहे हैं। कुछ बार अचानक लॉकडाउन, प्रधानमंत्री ने 24 मार्च को रात के समय लोगों को 3.5 घंटा का नोटिस मिला और फिर वो सड़क में निकल गए, राजमार्ग में निकल गए। इस साल में क्या फर्क आप देख रहे हैं? इस साल में वैसा भयानक लॉकडाउन नहीं है, वो अचानक ही नहीं, वो भयानक था, क्योंकि अचानक था और ये कहा गया था कि एक भयानक महामारी का दौर आया है, तो लोग घबराए हुए थे और कोई वेतन नहीं था, कोई रोजगार नहीं था, कोई खाने को या रहने को जगह नहीं थी, तो उनको सड़कों पे जाना, गांव की तरफ चले जाना, मजबूरन जाना पड़ा था। इस बार सरकार ऐसा भयानक और ऐसा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करने से कतरा रही है, संभल के चल रही है, ये नहीं कह रही है कि ये महामारी बहुत भयानक है, ये कह रही है कि संभलो, इसमें खतरा है और संयम रखो और अपने आप को बराबर से मास्क आप करो वगैरह। अच्छी बात है कि इस बार संभल के कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार ने इस बात को काफी अच्छी तरीके से संभाला है कि बार बार मुख्यमंत्री आके कहते हैं कि हमें सावधान रहना चाहिए, हमें केयर लेना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, दूरी रखनी चाहिए, भीड़ों में नहीं जाना चाहिए, और यदि ये इस कोविड को नियंत्रण में नहीं लाया गया तो हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा, लेकिन मेजर्ड मैनर में वो लॉकडाउन करते गए, इसलिए वो कंट्रोल ज्यादा तरीके से आया। तो हम, मेरे ख्याल से कुछ सरकारों ने, कुछ केंद्र सरकार ने तो कहा है कि राज्य सरकार देखेंगे, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने जैसे महाराष्ट्र ने पहले के लॉकडाउन से काफी कुछ सीखा है और इसको मैनेज करने में थोड़ा और मैच्योरिटी नजर आती है, लेकिन कुछ और जगहों में ये महामारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि संभालना मुश्किल हो गया। तो इस बार प्रॉब्लम ज्यादा है, लॉकडाउन कम है। मैं कोई एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं हूँ कहने के लिए कि इसको किस प्रकार से लॉकडाउन करना चाहिए, किस प्रकार से नहीं करना चाहिए, वो मेरे अंडरस्टैंडिंग के बाहर की बात है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस तो है नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में काफी गंभीर परिस्थिति है, जितनी की महाराष्ट्र में मैं नहीं देख रहा हूँ, लेकिन और प्रांतों में काफी गंभीर। मेरा आखिरी सवाल महेश जी, अप्रैल महीना में CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी का डेटा बोल रहे हैं कि 8% के आसपास बेरोजगारी का स्तर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4 महीना में सबसे ज्यादा ऊपर स्तर में पहुंच गए थे, 8% के आसपास पहुंच गए थे। ये कितना महत्वपूर्ण है और यहां से और भी बढ़ने का एक बड़ा संभावना है कि नहीं, इस विषय के ऊपर आप कुछ कहिए। 8% अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी दर जो है वो काफी गंभीर है। भारत में एक साल के स्लोडाउन, लॉकडाउन, रिसेशन के बाद लोगों के पास उतना स्पेस नहीं है कि वो और वेतन गंवा सके। तो यदि 8% लोगों के पास रोजगार नहीं है तो मेरे ख्याल से ये बहुत चिंता वाली बात है, और यदि ये महामारी कायम नहीं हुई या ये काबू में नहीं आई तो हो सकता है ये 8% से कुछ ऊपर भी चला जाए। तो हमें इस बात पर सतर्क रहना चाहिए कि लाइवलीहुड्स पर ज्यादा असर ना पड़े, लोगों की के लाइवलीहुड्स को ज्यादा असर ना पड़े, सरकार को इसके बारे में कुछ और ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा दुख नहीं, संकट का सामना नहीं करना।
धन्यवाद धन्यवाद महेश व्यास जी, आप सब लोग सुन रहे थे भारतवर्ष में इस वक्त रोजगार, वेतन, नौकरी, बेरोजगारी का स्थिति क्या है, और ये दूसरी जो कोविड का जो लहर आया है, स्थिति और भी खराब हो गया और बेरोजगारी का स्तर अत्यंत गंभीर हो गया। आप सब देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। महेश जी धन्यवाद आपके समय, आपने न्यूज़ क्लिक का दर्शक को दिया। Thank you.